तो टाटा आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को भारी रनों से हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के यह बड़ी जीत के वजह से जो पॉइंट्स टेबल है उसमें उथल पुथल मच गई है। तो दोस्तों क्या है अब लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल आईपीएल 2024 का, इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें आईपीएल 24 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल का, तो दोस्तों बता दें कि नंबर 10 पर है लखनऊ सुपर जायंट, जो कि एक मुकाबला खेला है वह मुकाबला हार गया है पॉइंट से 0। वहीं बता दें कि नंबर 9 पर है दिल्ली कैपिटल्स, जो कि एक मुकाबला खेलकर वह भी एक मुकाबला हार गया है और पॉइंट से 0। वहीं बता दें कि नंबर 8 पर है मुंबई इंडियंस, जो कि एक मुकाबला खेला है यह भी एक मुकाबला हार गया है और पॉइंट से 0। वहीं बता दें कि नंबर 7 पर है सनराइजर हैदराबाद, जो कि बता दें कि एक मुकाबला यह भी खेला है लेकिन यह भी एक मुकाबला हार गया है। वहीं बता दें कि नंबर 6 पर है गुजरात टाइटंस, जो कि दो मुकाबला खेल चुका है, एक जीता है एक हारा है और पॉइंट से 2। वहीं बात करें नेट रन रेट का, तो दोस्तों वह है -1.425 गुजरात टाइटंस का। वहीं बता दें कि नंबर 5 पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो कि दो मुकाबले खेलकर एक जीता है एक हारा है और पॉइंट से 2। और वहीं बात करें आरसीबी का नेट रन रेट है -0.180। तो दोस्तों देखें तो गुजरात टाइटंस से बेहतर है नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का। वहीं बता दें कि नंबर 4 पर है पंजाब किंग्स, जो कि अभी दो मुकाबला खेला है, एक जीता है एक हारा है और पॉइंट से 2, लेकिन जो इनका नेट रन रेट है प्लस में है। जी हां दोस्तों, +0.025। वहीं बता दें कि नंबर 3 पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि एक मुकाबला खेलकर एक मुकाबला जीता है और पॉइंट से 2। और नेट रन रेट कमाल का है कोलकाता नाइट राइडर्स का, इसलिए नंबर 3 पर बना हुआ है। तो वहीं नंबर 2 पर है राजस्थान रॉयल्स, जो कि एक मुकाबला खेला है, एक जीता है और पॉइंट से 2। वहीं बता दें कि नंबर 1 पर है चेन्नई सुपर किंग, दो मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबले जीत गए हैं और पॉइंट से 4। और देखें तो सबसे बेहतर जो नेट रन रेट है चेन्नई सुपर किंग का ही है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग का जो नेट रन रेट है वह है +1.979, जो कि कमाल का नेट रन रेट है। और चेन्नई सुपर किंग कमाल का परफॉर्मेंस भी कर रही है आईपीएल 24 में। तो दोस्तों आईपीएल 24 में चेन्नई सुपर किंग का परफॉर्मेंस कैसा लगा है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।